आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका लेके आए हैं और ये प्रयास पुस्तिका कक्षा 2 से 3 के बच्चों के लिए है। और इस प्रयास पुस्तिका के माध्यम से आज हम आपको वर्कशीट 22 बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने 1 से 21 वर्कशीट तक बता चुके हैं, ये आपकी वर्कशीट 22 रहेगी। और ये आपकी वर्कशीट या प्रयास पुस्तिका है ये वर्ष 2024-25 के लिए, जिसे इसने बनाया है मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा बनाया गया है। चलिए देखते हैं वर्कशीट 22। वर्कशीट 22 में देखो, सोचो और बात करो। आपको इन चित्रों को देखना है, सोचना है और बात करना है। आप इस पर कहानी बना सकते हो। देखिए, पहला चित्र दिख रहा है। इस पहले चित्र में एक बंदर है और एक मगरमच्छ है। मान लीजिए दोनों बंदर और मगरमच्छ कैसे हैं, दोस्त हैं। बंदर पेड़ों पर रहता है और मगरमच्छ कहाँ पर, समुद्र में, तालाब में। ये बंदर आम तोड़ तोड़ के किसको खिलाता है, मगरमच्छ को खिलाते रहता है। तो बहुत खुश रहता है, मीठे मीठे आम खाता है। तो एक बार क्या होता है, ये मगरमच्छ अपनी जो पत्नी है उसके पास जाता है और उसको बताता है कि जो मेरा दोस्त बंदर है वह मुझे मीठे मीठे फल खिलाता है और वो भी खाता है। तो जो मगरमच्छ की पत्नी थी वह क्या कहती है, जब बंदर, जो उसका दोस्त बंदर है, वह इतने मीठे मीठे फल खिलाता है और खाता है तो उसका हृदय भी कितना मीठा होगा। तो क्यों ना आप उसे अपने घर बुलाओ और उसका हृदय निकाल के खा लेते हैं। तो बंदर, जो मगरमच्छ है, उसने सोचा और बंदर को बताया कि मेरी पत्नी आपको मेरे घर आमंत्रण की है और बुलाई है आपको अच्छे से, क्योंकि अपन दोस्त हैं। तो वह बंदर मगरमच्छ के साथ जाता है और जब मगरमच्छ बंदर को बीच तालाब में लेके जाता है और कहता है कि मेरी पत्नी ने आपको इसलिए बुलाई है क्योंकि दोस्त है, तो उसने सही बात बता दी, इसलिए बुलाई है कि आप मुझे मीठे आम देते थे, आप मीठे आम खाते हो तो आपका जो हृदय है वह क्या होगा, मीठा हृदय होगा। तो आपका हृदय निकालने के लिए मेरी पत्नी ने आपको बुलाई है। अब बंदर क्या था, चतुर था। तो बंदर ने अपने दोस्त को कहा, क्या कहा, अरे दोस्त तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि मेरा हृदय आपकी पत्नी को चाहिए। तो मगरमच्छ कहता है, क्यों, अरे मैंने अपना हृदय तो पेड़ पर छोड़ आया हूँ, चलो वापस चलते हैं पेड़ पे। तो फिर दोनों वापस गए पेड़ के पास और बंदर मगरमच्छ की पीठ से कहाँ पे पेड़ पे चढ़ गया और उससे कहता है, आप अब जा सकते हो ना अपनी, उसने क्या की, यहाँ पे जान बचा ली। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, सोच सकते हो और इस प्रकार कहानियाँ बना सकते हो। ठीक है, आपका प्रश्न नंबर 1 कम्प्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में देखिए, शब्दों का शुद्ध रूप में लिखो। जैसे रात्रि में यहाँ पे रात्रि, त्रि में बड़ी की मात्रा थी, उसको शुद्ध रूप क्या होगा, छोटी की मात्रा लगा दी है। इसी प्रकार कवि में, जो कवि है, कवि में भी आप देखेंगे वह में बड़ी की मात्रा, तो इसमें क्या आएगी, छोटी की मात्रा, तो ये कवि हो जाएगा, ये कवि हो गया। इसके बाद बीमारी में, बीमारी में ब में बड़ी की मात्रा आ जाएगी, तो ये क्या, ब में बी मा री, बीमारी, ब में बड़ी की मात्रा आएगी। तो इस प्रकार से बीमारी को सुधार दिए। इसके बाद भूमि में, भ में बड़ों की मात्रा भू, म में छोटी की मात्रा में भूमि। तो इस प्रकार से जो आपके शब्दों को शुद्ध रूप लिखना था तो ये शुद्ध रूप आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, चित्रों को उनके नाम से मिलाओ। ये चित्र किसका, पेड़, पेड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्री, और ट्री की स्पेलिंग क्या होती है, TREE, तो इस प्रकार ट्री से मिला दीजिए। ये क्या है, शेर, लायन, लायन की स्पेलिंग क्या होती है, LION, लायन, लायन से मिला दीजिए। ये क्या है, स्टार है, स्टार है, तो इसको स्टार से मिला दीजिए, STAR। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 और 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, चित्र के अनुसार सही शब्द पहचान कर खाली जगह में लिखो। देखिए, चित्र के अनुसार, ये जो चित्र दिख रहा है इसके अनुसार आपको सही शब्द पहचान कर खाली जगह में लिखना है। द टी शर्ट इज, इस टी शर्ट कैसी है, रेड या ग्रीन, तो आप देखेंगे चित्र में कैसे दिख रही है, हरी दिख रही है, हरे को क्या कहते हैं, ग्रीन, तो द टी शर्ट इज ग्रीन, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, इसके बाद ग्रीन लिख देंगे, GRE ग्रीन, ये ग्रीन हो गया। उसी प्रकार सेकंड चित्र देखिए, ये क्या है आपका, सूर्य है, तो द सन इज ब्राइट या डार्क, कैसा होता है, ब्राइट एंड चमकदार होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द सन इज ब्राइट, BRIGHT ब्राइट, ये आ गई ब्राइट, ये वाला आंसर आ जाएगा, इसका रेड आ जाएगा। द कार इज खालिस्तान, अभी कार कैसी है, येलो या रेड, तो आप बता सकते हैं, येलो मीन्स पीली, यानी पीला कलर है कार का, तो यहाँ पे येलो आ जाएगा, YELLOW येलो, तो द कार इज येलो। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5, रास्ता खोजो। देखिए, यहाँ पे आपको रास्ता की खोज करना है। अब रास्ता खोज हम कैसे करेंगे, देखिए, यहाँ से हम रास्ता यदि चयन करते हैं, ये चले, ये जाने के बाद यहाँ से आ गए, यहाँ से आए,
फिर यदि हम इस रास्ते से चल रहे हैं तो ये रास्ता यहाँ जाके बंद हो जाता है, यदि इधर भी जाते हैं तो बंद। तो इस रास्ता का हम चयन करेंगे तो यहाँ से चलेंगे, उसके बाद इधर ना आके हम किधर जाएंगे, इस साइड जाएंगे जी। चलिए ये रास्ते खोज करते हैं, यहाँ से यदि हम इधर आते हैं तो रास्ता बंद है तो सीधे ही जाएंगे। इस प्रकार से रास्ता खोजते चल रहे हैं, देखिए ये रास्ता खोज करके आपको बता रहा है। और सही बाहर निकलना इस रास्ते से हमें, चलिए ये बाहर निकलते चल रहे हैं। यदि हम यहाँ पर आते हैं तो बंद हो जाता रास्ता, तो यहाँ से फिर ऊपर जाएंगे। फिर ये आपका ये रास्ता आ गया, ये रास्ता है, फिर आगे बढ़िए। फिर इस प्रकार से यहाँ से बढ़ते चलिए, फिर नीचे आइए, फिर आगे बढ़िए। इस प्रकार से आप रास्ते से बाहर निकाल सकते हो, इस प्रकार से रास्ते की खोज कर सकते हो। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। जोड़िए या घटाइए, जिसको जोड़ना है उसे जोड़ दीजिए, जिसे घटाना है उसे घटा दीजिए। जैसे 4 में 2 जोड़े कितना हो गया 6, 2 में 3 जोड़े कितना हो गया 5, उसी प्रकार 1 में 5 जोड़ो, 1 में 5 जोड़े कितना हो जाएगा 6, और 1 में 8 जोड़े तो कितना हो गया 9, यानी 11 में 85 को जोड़ेंगे कितना आएगा 96। इसी प्रकार ये 67 में 20 को जोड़ना है तो पहले इकाई के अंक से जोड़ेंगे, 7 में 0 को जोड़े कितना हो गया 7 आ गया ये, और 6 में 2 जोड़े तो कितना हो गया 8, 67 में 20 को जोड़े तो कितना आ गया 87 आ गया। इसके बाद नीचे देखिए, और ये 44 में 18 को जोड़िए, जोड़ना कहाँ से इकाई के अंक से जोड़ना है। 4 में 8 जोड़ो, 4 और 8 कितना होता है 12, 4 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 12, 12 की 2 हासिल का एक दहाई ऊपर चल जाएगा दहाई के ऊपर, और 1 में 4 जोड़े कितना हो गया 5, 5 में 1 जोड़े 6, 44 में 18 को जोड़ते हैं कितना आ गया 62। इसी प्रकार 2 में 4 जोड़ो कितना होगा, 2 में 4 जोड़े तो 6, और 6 में 5 जोड़े तो 11। तो इस प्रकार से आपका जोड़ने के सवाल हो गए। अब घटाने के सवाल देख लीजिए, 29 में से 14 घटाना है तो 9 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, घटाओ घटा के देख सकते हो आप, लाइन खींचिए, 9 लाइन खींचिए और 4 लाइन कम कर दीजिए, कितना बचेगा 5, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 2 में से 1 घटाए 1, 29 में से 14 घटाए कितना आ गया आपका ये 15 आ गया। इसी प्रकार 35 में से 23 घटाएंगे, यानी 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 2, इकाई से घटाना है, 3 में से 2 घटाए 1, 35 में से 23 घटाए कितना आ गया 12। इसी प्रकार 76 में से 54 घटाएंगे तो 6 में से 4 घटाओगे, इकाई तरफ से घटाना, आपको ये ध्यान रखना किधर से घटाते हैं, इकाई से। 6 से 4 घटाए कितना बचा 2, और 7 में से 5 घटाए तो कितना बचा 2। 76 में से हमने क्या किया, इस 76 में से 54 को घटाया कितना आ गया 22 आ गया। इसी प्रकार 70 में से 43 को घटाना है, अब इकाई से घटाएंगे, शून्य में से 3 घटेगा क्या, नहीं, क्योंकि शून्य छोटा है और 3 बड़ा है, तो क्या करेगा, दहाई से उधार मांगा, दहाई से उधार मांगा तो इसके पास कितना हो जाएगा, एक दहाई दिया तो यहाँ 10 हो गया, और 10 में से 3 घटाए कितना आ गया 7, और इसके पास कितना बचा 6, 6 में से 4 घटाए 2। इसी प्रकार आपको इस प्रश्न को हल करना है, 73 में से 25 घटाना है, 3 में से 5 घट जाएगा क्या, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से घटाना है, इकाई के अंक से, 3 में से 5 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे 7 से, यानी दहाई से उधार, 7 दहाई में से उधार मांगेंगे तो ये एक दहाई उधार देगा, एक दहाई यानी 10 उधार दिया तो इसके पास 3 थे कितना हो गए 13 हो गए, और 13 में से 5 घटाओ तो कितना बचेगा 8, और इसके बाद जब एक दहाई उधार दे दिया तो कितनी दहाई बची 6 दहाई, 6 में से 2 घटाए 4, तो 73 में से आप कितना घटाए 25 घटाए तो कितना बचा 48। इस प्रकार से आपके जोड़ी और घटाने वाले प्रश्न कंप्लीट होते हैं, और इस प्रश्न के साथ ही आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 6 के साथ ही आपकी वर्कशीट जो 22 थी वह कंप्लीट हुई। बच्चों यदि आपको वर्कशीट 22 अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को और हमारे और अन्य वीडियो उन्हें अन्य ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिए।